पहाड़ों में बसा एक शहर, झीलों से भरा एक शहर, हरियाली से भरा एक शहर, सुकून की सांस लेने वाला एक शहर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दिल और उसकी राजधानी की, हमारे अपने शहर भोपाल की, जिसे आप भोजपाल या सिटी ऑफ लेक यानी झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से पहचाने जाने के पीछे का कारण है यहाँ के कई नेचुरल और आर्टिफिशियल तालाब, जैसे बड़ा तालाब, मोतिया तालाब, छोटा तालाब और शाहपुरा झील। कहा जाता है तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। भोपाल शहर की स्थापना 11वीं सदी में राजा भोज के द्वारा की गई थी। भोपाल विंध्य पर्वत श्रृंखला के पूर्व में है और यह एक पहाड़ी इलाके पर स्थित है। इसके दायरे में कई छोटे छोटे पहाड़ हैं, जैसे श्यामला हिल्स, आरेरा हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह हिल्स। भोपाल में गर्मियां गर्म और सर्दियां सामान्य ठंडी रहती हैं। भोपाल के आसपास आपको काफ़ी सारे ऐतिहासिक जगह भी देखने को मिलती है, जैसे कि नौड़गढ़ का किला, रायसेन का किला, इस्लामा नगर किला आदि। अगर हम कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो देश के बीचों बीच होने के कारण भोपाल शहर सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अच्छी तरह से कनेक्ट है। यहाँ की रेलवे कनेक्टिविटी पूरे देश भर से है। यहाँ के दो रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति हर शहर और राज्य की तरफ जाने वाली गाड़ियों का अहम स्टॉपेज है। भोपाल से आप बड़े ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक का सफ़र तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि रानी कमलापति भारत का वो सबसे पहला रेलवे स्टेशन है जिसे रेलवे मिनिस्ट्री ने प्राइवेट घोषित किया है और यह देश का पहला ISO सर्टिफाइड और PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में आपको वर्ल्ड क्लास और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन जब बात भोपाल शहर की हो तो हर किसी के जहन में एक हादसा जरूर गुजरता है और वो है 1984 का भोपाल गैस ट्रैजेडी। अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण लगभग 20,000 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। ये हादसा भोपाल शहर के चरित्र पर अपनी एक छाप छोड़ चुका है। आज भी भोपाल के लोग उस रात को द नाइट ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। भोपाल शहर 2021 के साफ शहरों में टॉप 20 के लिस्ट में भी शामिल है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भोपाल को पहले 20 शहरों में चुना गया है जिनको स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा। 289 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस शहर में मध्य प्रदेश के कई बड़े मुख्यालय हैं, जैसे वल्लभ भवन, विधानसभा भवन, जनगणना भवन और तो और मध्य प्रदेश के CM और गवर्नर भी यहीं रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें भोपाल शहर में घूमने के साधनों की तो यहाँ सिटी बस और ऑटो रिक्शा बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही साथ भोपाल से दूसरे शहर में जाने के लिए भी भोपाल की बस सुविधा काफ़ी अच्छी है। रेलवे और बस सर्विस के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है हवाई सफ़र, और इससे भी यह शहर अछूता नहीं है। राजा भोज एयरपोर्ट साल 2013 में प्रदेश का सबसे पहला एयरपोर्ट था जो सोलर प्लांट का उपयोग किया करता था। भोपाल से कहीं भी जाने का हवाई सफ़र आप इसी एयरपोर्ट से तय कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें भोपाल में खाने खिलाने की तो भाई साहब, भोपालियों का इसमें भी कोई जवाब नहीं। यहाँ आपको हर शहर के अपने स्वाद में भोपालियों के प्यार का थोड़ा सा तड़का मार के ही खिलाया जाता है। फिर चाहे समोसा हो या डोसा, सब कुछ मिलता है एकदम लाजवाब। और हाँ, सबसे ऊपर है यहाँ का नाश्ता, जिसकी खासियत है तो वो नाश्ता, लेकिन मिलता वो आपको हर पहर है। जी हाँ, यहाँ का पोहा और जलेबी। अगर अब हम बात करें भोपाल में पढ़ाई लिखाई की तो यहाँ कई नेशनल लेवल के कॉलेज और यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, भोज यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदन यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तथा अनेक गवर्नमेंट एवं प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं। अगर आप शहर को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो
तो भोपाल आपको दो भागों में दिखाई देगा, एक पुराना भोपाल जिसको हम सिटी के नाम से जानते हैं और दूसरा नया भोपाल, जहां एक तरफ पुराना भोपाल एक ऐसी जगह है जहां के चौक बाजार के लिए जाना जाता है, जो कि लोगों की खासा पसंदीदा जगहों में से एक है अपनी हर चीज़ के लिए, फिर चाहे कपड़े हों, जूते या माल पकवान हो। अगर हम बात करें देश भर में भोपाल शहर के नाम की, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जिसे हम ताजुल मस्जिद के नाम से जानते हैं वो इसी शहर की बनावट का हिस्सा है, और दुनिया की सबसे छोटी मस्जिद इसी शहर में है जिसे हम ढाई सीढ़ी के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ नया भोपाल हमको वापस से पूरे शहर की दुनिया में ले आता है, जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, काफ़ी हाउस, शॉपिंग मॉल सब देखने को मिलता है। यहां तक कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल यहीं पर है जिसे हम डीबी मॉल के नाम से जानते हैं। अगर शॉपिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के न्यू मार्केट का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसका कारण है सभी सामान का वहाँ पर उचित दाम पर मिलना। अब अगर हम घूमने फिरने की नज़र से भोपाल को देखें तो वो एक और भी बेहतरीन शहर के तौर पर नज़र आता है। यहाँ पर घूमने फिरने की बहुत सारी और बहुत सुंदर जगह हैं, जैसे बड़ा तालाब, भीमबेटका, भोजपुर, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसे वन विहार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको कई तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा भोपाल के पास ही लगभग 25 किलोमीटर दूर सांची का स्पूत है, जो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, और भेल स्थित श्री राम मंदिर बरखेड़ा एक प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है। देश में सबसे आकर्षण शहर होने के नाते भोपाल की गिनती सबसे दिलचस्प शहरों में होती है। मध्य प्रदेश के चुनिंदा पर्यटन स्थलों में शामिल भोपाल हर साल भारी संख्या में देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो अगर आप किसी भोपाली से पूछोगे कि भोपाल क्या है, तो जवाब एक ही मिलेगा, भोपाल एक सुकून है। आशा करता हूँ भोपाल शहर के बारे में ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रैवलिंग दोस्त, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।